नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी हूँ, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इसमें हम सुजानगंज में है और हमारे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कुश्ती का बहुत ही सुनहरा पल देखने को मिल रहा है। आपको पूरा रूबरू हम कराते हैं कि यहाँ पे क्या आपके जनता भी बहुत ही उत्सुक है यहाँ पे देखने के लिए। तो आपको आइए, हम पूरा दिखाते हैं क्या है यहाँ का पूरा माहौल और क्या दिख रहा है। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो में, तब फिर मिलते हैं हम आपको इसके साथ। सर आपका नाम? सर मेरा नाम श्री प्रकाश श्याम नारायण शुक्ला, मैं प्रमुख पति श्री प्रकाश शुक्ला हूं और मैं ए भारत न्यूज चैनल को दिल्ली हार्दिक बधाई देता हूं जो आप लोग यहां आए और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों ने पूरा कवर किया, उसके लिए मैं यहां पे गौरी शंकर धाम के ट्रस्टी जो हैं सुधीर तिवारी, दिनेश मिश्री, आपके विकास प्रधान जी हमारे यहाँ पे हैं और हमारे यहाँ पे आके सांसद जी श्रीमती सीमा द्विवेदी जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख मुगरा सत्येंद्र सिंह फंटू आकर शोभा बढ़ाए कार्यक्रम की। हमारे एसओ साहब ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का कार्य किया है, यहाँ पे सब बैरिकेडिंग करवाए, सिक्योरिटी पूरा देखे, जिसके कारण प्रोग्राम शांतिपूर्ण सफल रहा। और यहाँ पे आए हुए सारे पत्रकारों को मेरा दिली धन्यवाद। आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनपद जौनपुर के सुजानगंज क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कुश्ती का आयोजन किया गया था, इस पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को एक ही संदेश दूंगा मैं कि इस कुश्ती में महिला पुरुष दोनों लड़ाए गए। इसका एक सिंपल मैसेज था कि महिलाएं भी अब पुरुष के बराबर हो गई हैं और ये सब करवाने से बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी।
इसको आगे प्रोत्साहन के रूप में देखना चाहिए और ये कार्यक्रम हर साल होता रहेगा। सैयद हुसैन मुंतजर, प्रभारी निरीक्षक थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर। आज आपके थाना अंतर्गत यहाँ कुश्ती का आयोजन किया गया था, तो इसमें प्रशासन द्वारा क्या सहयोग किया गया? ये श्री प्रकाश शुक्ल जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी, सुजानगंज ब्लॉक, ये आज से हमसे लगभग 2 महीना पहले ये बताए कि जन्मदिवस तो हमारा कई बार बॉम्बे में और यहाँ घर पे मनाया जाता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जन्मदिवस दंगल के रूप में एक यादगार पल रहे और इसमें आपके स्तर से जो भी सुरक्षा व्यवस्था की चीजें हैं उसको जरा सा आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगेगी काफी। तो हमने ये देखा, क्योंकि अभी 2 महीना हमने सावन मेला कराया है और जैसे लोग दर्शन करने का उत्साह था उस समय, आज इस दंगल के कार्यक्रम में इसी तरह से लोग श्री गौरी शंकर धाम मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए और बढ़ चढ़ के यहाँ पर माननीय सांसद जी भी आई हुई थी, ब्लॉक प्रमुख जी मुगरा बादशाहपुर भी पधारे और श्री प्रकाश शुक्ल जी जो प्रतिनिधि ब्लॉक सुजानगंज है, और सभी गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये पहला जन्मदिवस दंगल के रूप में था इनका, और आने वाले समय में आपकी बार तो सुजानगंज थाना पुलिस के लोकल पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन यहाँ जनता के जो उत्साह देखने को मिला तो ये हमको लग रहा है कि आने वाले समय में थाना सुजानगंज की पुलिस से भीड़ ज्यादा होने के कारण बाहर से पुलिस बल मंगाकर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, काफी भीड़ थी, सभी लोगों को भीड़ नियंत्रण कराया गया, क्योंकि दंगल ये एक उत्साहिक खेल है और इसमें भीड़ भी होती है, एक बारगी लोग खड़े हो जाते हैं, पहलवान से मिलने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की हमने बैरिकेडिंग वगैरह की सब व्यवस्था पूर्ण रूप से कराई है जिससे दंगल का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। आज यहाँ हमारे मित्र और यहाँ के प्रमुख श्री श्री प्रकाश शुक्ला जी का जन्म उत्सव था, जन्मदिन था, उन्होंने ही ये दंगल ऑर्गेनाइज किया था अपने जन्मदिन। आज के दंगल में किस किस क्षेत्र से लोग प्रतिभाग किए थे? हरियाणा से कुछ पहलवान थे, दिल्ली से थे, गोरखपुर से थे, बनारस से थे, अयोध्या से थे, जौनपुर के पहलवान थे और हमारा लोकल पहलवान भी लड़ा। ये प्रदेश स्तरीय दंगल प्रतियोगिता हुई थी क्या? नहीं, कोई स्तरीय नहीं हुई थी जी। ये प्रमुख जी का आपने बताया कि वर्षगांठ जन्मदिन था जी, तो उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया, कुछ पुराने पहलवानों ने मिलके जी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, सहयोग किया, तो हर जगह से लोग पहलवान आए और अच्छा दंगल हुआ। आज के दंगल में विजेता कौन हुआ? कई विजेता हुए इसमें, नहीं नंबर इसमें जौनपुर के हमारे हमारे यहाँ के लोकल एक पहलवान सत्यम मिश्रा हैं, वो जीते। किराकत के कुछ अच्छे पहलवान आए थे जौनपुर, केसरी निगम पहलवान की कुश्ती बराबरी पे गई, उनके छोटे भाई की कुश्ती भी बहुत अच्छी रही। एक पहलवान आया था मौसम अली, वो दो लोगों को वो पटका और वो थोड़ा सा कलात्मक कुश्ती लड़ता है और जनता को काफी अट्रैक्ट किया। ये जो कुश्ती हुआ था ये प्रत्येक वर्ष होता है कि बस इस साल हुआ था? ये पहली बार हुआ। पहली बार, क्या भविष्य में ऐसा यहाँ के क्षेत्रवासियों को देखने को मिलेगा कुश्ती? जरूर, प्रमुख जी का अपना विचार है कि अपने इस डेट को निरंतर इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 11 अक्टूबर। मैं दिनेश कुमार मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रधान संगठन, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज जनपद जौनपुर के सुजानगंज क्षेत्र में कुश्ती का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आज हमारे प्रमुख सुजानगंज श्री प्रकाश शुक्ला जी का जो है जन्म दिवस था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रमुख जी इस कार्यक्रम को जो है यादगार बनाने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम कराया था, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, अयोध्या, फैजाबाद, तमाम अब यूपी के तमाम जिलों से जी। आप जिले की बात मत करिए, आप देश के कोने कोने हरियाणा से भी लोग पहलवान आए थे, जिसमें सबसे अच्छा कुश्ती हमारे जौनपुर जिले के सत्यम मिश्रा, हमारे गांव के छंगापुर के निवासी थे,
उन्होंने जौनपुर का नाम रोशन किया। हमारे और भी जौनपुर के पहलवान, इराकत के पहलवान, मंगला के जो तीनों लड़के थे, दो लड़कों ने कुश्ती लड़ी जो कि बराबरी पर हुई, और उसमें चार चार कलात्मक कुश्ती में आप देखेंगे तो मौसम अली ने जनता के लिए बहुत अच्छा जो है इंटरटेनमेंट किया, बहुत अच्छी कुश्ती हुई। मौसम अली ने दो कुश्तियों को जो पटकनी दे के मारा, हरियाणा के जो पहलवान को पटकनी दे के मारा, इसके बाद जो अभी यहाँ अयोध्या के पहलवान थे उनको पटकनी दे के मारा, बहुत अच्छी कुश्ती हुई। ये कार्यक्रम हम लोग चाहते हैं क्षेत्र की जनता के मांग पर हमारे प्रमुख जी का 11 अक्टूबर, और हम लोग जो है इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख जी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि आप जो इसी तरह कार्यक्रम कराते रहें, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। जय हिंद जय भारत। आज यहाँ जो कुछ सुजानगंज क्षेत्र में हुआ था, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? हम जान रहे हैं, देखिए बताएंगे आप। दंगल तो पहले भी यहाँ अनवरत चलता रहा है, ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन ये प्रथम वर्ष है कि श्री गौरीशंकर मंदिर धाम, यहाँ के हम मंदिर प्रबंधक हम ही हैं, यहाँ पे जो व्यवस्था इस बार दंगल की हुई है, और जहाँ दूर दूर के लोग देखने भी आए और बहुत दूर दूर तक के जो है पहलवान भी यहाँ आए। माननीय श्री प्रकाश शुक्ला जी प्रमुख जी का जन्मदिन था, उनको हार्दिक शुभकामना, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद उनके ऊपर बने रहे। उनके साथ साथ माननीय सांसद जी भी मंदिर पर अपना मूल्य समय दी हैं, जिससे कि यहाँ की जनता को बहुत ही खुशी हुई कि दंगल में माननीय सांसद जी अपना समय दी हैं। जाएंगे इधर से आप निकले, उनके साथ 5 मिनट थाने पे हमारे होते हुए मुगरा बादशाह आपका लगे भैया भी आ गए थे, वो भी अपना पर्याप्त समय दिए, अपना योगदान दिए, और तमाम क्षेत्रवासी बहुत ही आलादी थे। और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान जो कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, किराकत, अच्छे अच्छे पहलवान आए थे, जिसमें कि प्रदर्शन बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ के यही तो जन सेवा है, यही पहलवान ये प्रेम जी, वो भी बढ़िया प्रदर्शन किए। जो पहलवान आए थे उनको भी हार्दिक शुभकामना बधाई। यहाँ के भी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तमाम लोग थे, उनके आगमन पे भी उन लोगों को भी हार्दिक बधाई। और प्रमुख जी को धन्यवाद कहेंगे कि मंदिर पर ऐसा प्रोग्राम करके यहाँ के जनता को आह्लादित किए हैं, भगवान भोलेनाथ उनको और आगे बढ़ाएं, उनकी ऊर्जा बढ़ाएं, जिससे कि क्षेत्र के लिए और अच्छा कार्य करें। धन्यवाद।